समय और पापा जा रहे हैं मम्मी के लिए केक लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का बर्थडे है। थैंक यू। सो केक ले लिया है एंड नाउ गोइंग टू होम। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू मामा। तो ये देखो, कोई कह सकता है कि कोई अपने डैड को काम पे लगा सकता है, मैंने लगा लिया। एनी कमेंट्स पापा? सो एनी गेसेस के क्या बन रहा है? मत करो, देख लो। सो या फाइनली इट इज, बट पास्ता बहुत टाइम के बाद फाइनली बन गया। फाइनली विथ ऑल द सामान। कौन छोड़ना है देख तेरे को। बाय बहना, आई विल मिस यू। थोड़ा इमोशनल हो चुकी है, हम भी हैं, पर क्या करें। अब हैविंग सम वाटरमेलन, क्योंकि हमने बहुत सारा केक ठूस लिया है, तो अब हमें थोड़ा हेल्दी खाना पड़ेगा ना। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, अलग ही लेवल का। मुझे एडिक्शन हो चुका है तारक मेहता से, मज़ा आता है, हर टाइम मैं वही देखती रहती हूँ। गाइस और मैं आज रेडी हूँ, सुबह जल्दी जल्दी उठ चुकी हूँ, एंड यस सी दिस मोर सेल्फ लव। सो या बिलीव करिए इस चीज़ पे, अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करिए। बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग तो आते रहेंगे, अपने आप से ज़्यादा प्यार करेंगे। अरे शॉप पे आज पापा के साथ रहोगी वहाँ पर? हो ही नहीं कहिए, भाई साहब तो आ गए। आलू ऑब्वियसली, देन हमारे मिस ब्राउनी एंड ये गोरिया यू। सो डेली रूटीन है ये, इनको बहुत देखोगे ब्लॉग में। और ये मिस्टर एलसी क्या कर रहे हैं अब? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डस्टबिन में जरूर फेंके रैपर। आज तो इन जनाब ने भी जो जोर जोर शोरों से आवाज़ करके खाना मांगा है ना, बाय गॉड। सो हैविंग सम बनाना मिल्कशेक, क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मम्मी ने भेजा है मेरे लिए। लकी बना रही, मैं बना रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी, जो मेरा नॉर्मल रूटीन है। सो दिस इज व्हाट इट इज, साबुदाने की खिचड़ी घी में बनानी चाहिए, क्योंकि घी में ही सबसे सही लगती है यार, घी में बहुत टेस्टी लगता है। एंड ये जो भी है इसमें ना अभी डाला है अदरक लहसुन एंड कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो फ्रेश कड़ी पत्ता रहता है ना, वो डाला है, जो हमारे विंडो में से मैंने लिया है, हमने उगाया हुआ है प्लांट। सो इसको आपको सॉटे करना है। अभी मैंने डाल दिए हैं जो पीसे हुए सिंगदाने थे, उसको अब आप अच्छे से हिलाइए और अच्छे से सॉटे करिए, जब तक ये घी नहीं आता। तो ये घी आ रहा है, मतलब आप बाहर दिख रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो अब इसको और थोड़ा मिक्स कीजिए, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, तो फिर आप उसमें डालोगे अगला इंग्रेडिएंट, जो कि है उबले हुए आलू। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना भी डालना है, बारीक काटा हुआ है मैंने। एंड अभी आप इसको भी मिक्स करोगे, अच्छे से मिक्स कर लो। एंड देन ऐड द मसालास, जो अभी है नमक, तो ये उपवास का नमक है, नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा शक्कर, एकदम थोड़ा सा शक्कर डालना है, ज़्यादा नहीं फॉर टेस्ट। एंड ये जीरा पाउडर आप डालोगे, फिर बाद में आपको इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एंड देन आप डालोगे हमारे साबुदाने जो हमने भिगा के रखे हुए थे पहले, वो रात को ओवरनाइट रखना है इसको। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे, एंड फॉर मोर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट, नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आप डालोगे इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है धनिया, फाइनल टच। एंड फाइनली मेरी साबुदाने की खिचड़ी तैयार है। तो ये खिचड़ी ज़रूर मैंने बनाई है, लेकिन ये रेसिपी मेरी मम्मी की, सो मम्मी ऑलवेज। सो भाई कैसा बना है भाई? थम्स अप।
सब मेरे घर पे कैमरा कॉन्शियस ही है यहाँ पे. That's it for this vlog and I will see you in my next one. And love yourself, हंसते रहो और हंसाते रहो. I love you guys.